भाभी जी, मैं क्या कह रहा था ना कि ये भभूति जी तो है आपके पास, तो ये रवि की कमी पूरी कर देंगे। मैं कुत्ता दिखाई दे रहा हूँ आपको? डू आई लुक लाइक अ डॉग टू यू? क्या बकवास कर रहे हैं आप, क्या बोल क्या रहे हैं आप? ये मैं कुत्ता लग रहा हूँ आपको? अरे हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। अरे आप दोनों अपना मतलब अपने पास रखिए। आप देख रहे हैं कि मुझे इतनी टेंशन हो रही है, रवि मिल नहीं रहा है और आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। तुम समझ लो, अगर मुझे रवि नहीं मिला ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे बाप रे, अगर भाभी जी यहां से चली गई तो फिर हमारा क्या होगा? अनु, तुम अपने एक छोटे से कुत्ते के लिए जिसका मुंह यूं है, उसके लिए अपने एक बड़े मतलब अपने पति को छोड़ दोगी? विभू को, जिसकी 7-8 साल की तुमसे रिलेशनशिप है, तुम उसको छोड़ दोगी? हाउ कैन यू से दैट? क्या बोल रहे हो? वो छोटा सा कुत्ता नहीं था, वो मेरा दोस्त था, वो मेरा भाई था, मेरा हस्बैंड। जी नहीं, हंसी खुशी का साथी था मेरा। वैसे भी तुम क्या समझोगे, एक पालतू जानवर से बिछड़ने का गम क्या होता है? खुद ने तो जिंदगी में आज तक एक चिड़िया तक नहीं पाली। भभूति जी, क्या है, बाल उछ रहे हैं आप मेरे? सुनिए तो, क्या है? बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते, रवि को ले आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। सक्सेना जी, कहाँ मर गया सक्सेना जी? अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भैया? अरे अंदर ऐसी कौन सी इन्वेंशन कर रहे थे जो आपको डिस्टर्ब कर दिया? इन्वेंशन ही कर रहा हूँ भैया जी। अरे इन्वेंशन को मारो गोली, ये बताओ कि जो कुत्ता दे गए थे वो कहाँ? लो भैया, वो सुबह से दिखाई दे नहीं रहा है मुझे। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? कहाँ गायब कर दिया कुत्ता आपने हमारा? भैया जो खुद गायब है वो किसी और को क्या गायब करेगा है? वैसे कल रात को मैंने उसे 3-4 बार कटवाया था, उसके बाद मैं सो गया, सुबह उठा हूं तो उसके बाद से मिल ही नहीं रहा मुझे। अरे अगर वो कुत्ता हमको नहीं मिला ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा? आप किस लिहाज से बर्बाद हो जाएंगे? बर्बाद मैं हो जाऊंगा तिवारी जी, मैं। अरे हम आप ही को ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं। आई लाइक इट। सुनो, आई लाइक इट, बनाओ बत्ती और कुत्ता ढूंढो। अरे मैं कहां से ढूंढू भैया? वैसे पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुत्ता चोर गैंग है एक, वो ले गया उसको। What? क्या? एक ना शहर में कुत्ता चोर गैंग आया हुआ है। वो क्या करते हैं ना कि एक जगह से किसी इंग्लिश कुत्ते को उठाते हैं और दूसरी जगह पे जाके बेच देते हैं। ये जरूर उन्हीं का काम लग रहा है मुझे। मैं काम करता हूँ भैया, मैं ढूंढने जाता हूँ, आप लोग भी ढूंढिए, ठीक है? अरे विभू, विभू सुनो ना। या बेबी। विभू जरा मेरे लिए कॉफी बना दो ना, ये वाली ठंडी हो गई। 3 बार तो कॉफी बना चुका हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाँ तो 4th बार बना दो ना, तुम बनाते इतनी अच्छे हो। तुम कॉफी पी का रही हो यार? एक सी पीकर तुम बिजी हो जाती चैटिंग में। किससे चैटिंग चल रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग चैटिंग है। अरे वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी ना, मीनल। अच्छा वो जो थोड़ी टीरी थी वो? हाँ भाई। अच्छा, देखे क्या बातें, क्या चैटिंग हो रही है लड़कियों में भाई। हाँ अरे ऐसी फालतू की गपशप हो रही है। हस्बैंड सर्वेंट होते हैं। क्या हुआ, मजाक कर रही हूँ उससे? यार ये किस तरह का मजाक है यार, ये किस तरह की सेंस ऑफ ह्यूमर है जो वन साइडेड है? विभू क्या तुम्हारा झगड़ा करने का मूड है क्या? मेरा झगड़ा करने का कोई मूड नहीं, मेरा मूड बहुत अच्छा था, तुमने मेरा मूड खराब किया। विभू क्यों इतना सीरियसली ले रहे हो? अरे ये चैट बुक है, चैट बुक पे तो लोग मजाक ही करते हैं ना। तुम बताओ, तुम अपनी चैट बुक पे क्या बहुत सीरियस डिस्कशंस करते हो? मुझे अपना चैट बुक अकाउंट चेक किए हुए सदियां हो गई हैं। क्यों, तुम तो फ्री रहते हो? मैडम मैं खाली नहीं रहता हूँ, सुबह से शाम तक इस घर का काम करता हूँ। अभी नाली खोल के आ रहा हूँ तिली वाले झाड़ू से, इतने चावल निकले उसके अंदर। अरे तो 24 घंटा थोड़ी ना तुम नाली खोलते हो, टाइम तो मिलता है ना तुम्हें खाली? फ्री टाइम में करा करो चैटिंग।
फ्रेंड्स बनाओ, थोड़े सोशल हो जाओ यार, टाइम्स हैव चेंज्ड, छोटे छोटे बच्चे चैटिंग करते हैं। टाइम्स हैव चेंज्ड। दिनों से हम अपनी बकरी भैंस या गाय से ना ही मिले हैं, और पिताजी आपको भी ना ही देखे हैं, कितने दिन हो गए। लड्डू अका है, जाके पढ़ाई करो, जाओ। ठीक है भाभी माँ। हाँ पिताजी, आप हमको आपकी भैंस की बकरी की सबकी फोटो भेज दीजिए डाक से। ठीक बा, हम बाद में बात करते हैं आपसे, बाय बाय। कैसे बाबर पुती जी? बस भाभी जी, आपके हसीन साए में जिंदगी गुजार रहे हैं, खरामा खरामा। अका बोले, अभी आप अपने पिताजी से बात कर रही थी? हाँ, बहुत दिन के बाद कॉल किए हैं पिताजी। आपके पिताजी कभी आपसे मिलने क्यों नहीं आते हैं? वो लड्डू के भैया से चिढ़ते हैं। तो सही करते हैं, दुनिया चिढ़ती है लड्डू के भैया से, तो वो कौन सा बोले? एक्चुअली क्यों क्यों चिढ़ते हैं उनसे वो? वो कहा है कि उनको लड्डू के भैया का बिजनेस पसंद नहीं है। तो क्यों बांध दिया एक सोने की चिड़िया एक बड़ंगे आदमी के हाथ? अभी उनको जैसे सेंस है कि नहीं, समझ है कि नहीं, इतनी हसीन खूबसूरत लड़की एक बेहुदा बदतमीज आदमी के साथ बांध दी? This is ridiculous. कोई तरीका है? कोई मैच नहीं है? There's no comparison. There's absolutely no match between. I'm sorry, भाभी जी, I'm really sorry. वो क्या है कि मैं जरा जज्बात निकल आए मेरे, I'm sorry. काहे निकलते हैं जज्बात आपके? भाभी जी, जब मैं देखता हूँ कि एक कौवे के चंगुल में एक चरैया फंसी हुई है तो जज्बात निकल आते हैं मेरे भाभी जी, I just can't control them. कहाँ है चरैया? दिल में। हम कुछ समझे नहीं। Nothing new. Anyway, खैर छोड़िए सब। ये बताइए कि आपने कभी चैटबुक का नाम सुना है? चैटबुक का होता है? भाभी जी, चैटबुक। सही पकड़े हैं। क्या होता है? भाभी जी, चैटबुक एक ऐसा जरिया है, ऐसा खूबसूरत जरिया है, पिछड़ों को मिलाने का, अपनों को पाने का, और जरा मस्ताने का, यू नो। कहाँ मिलता है ये? भाभी जी, ये आपके लैपटॉप पे मिलता है, ये देखिए। इसे कहते हैं चैट अकाउंट। देखिए, अगर आप इस पे अपना अकाउंट खोलेंगी तो आप अपनों से मिल सकती हैं, उनसे बात कर सकती हैं। हदिया, का हम अपने भैंसिया से, गाय से, बकरी से भी मिल सकते हैं, का दूध निकाल सकते हैं उनका? अभी जी, गोबर के कंडे नहीं बनाने, चैट करनी है, चैट। आइए, मैं आपका अकाउंट खोलता हूँ। ठीक बा, हम राशन कार्ड लेके आते हैं, दो फोटो, बिजली का बिल और आधार कार्ड भी है हमारे पास। मुझे लगता है इससे मुझे बहुत फायदा होगा। हाँ, ये सही कह रही है। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मेरी एड का मॉडल आ गया है। सुनो ना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वो तो रोज होता है, कोई नई बात करो। अरे नहीं पापा, घर का काम नहीं है। तो सब्जी भाजी लानी होगी बाजार से। वो तुम कभी बड़ा नहीं सोचोगे। सुनो मेरी बात, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं अपनी ग्रूमिंग क्लासेस के लिए एक एड बनाऊं और उसे अपनी चैटबुक पर पोस्ट कर दूं। Good. उस एड में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मॉडलिंग करो। तो उस एड की स्टोरी लाइन क्या है? तो स्टोरी लाइन ऐसी होगी कि पहले तुम्हें एड में ना भद्दा सा आदमी बताया जाएगा, उसके बाद जब मैं तुम्हें अपनी ग्रूमिंग क्लासेस में ग्रूम करती हूं तो तुम हैंडसम, चार्मिंग, कॉन्फिडेंट से बन जाओगे। ये कुछ ऐसे एड होते हैं ना, वो बिफोर आफ्टर वैसे वाले एड। देखो यार, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।